आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो बच्चों, आज से हम पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट स्टडी किया था। आपने देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप जहाँ पे सिंगल ओनर होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। पार्टनरशिप में एटलीस्ट टू ओनर्स होते हैं, टू पर्संस या फिर मोर देन 2% पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकते हैं। पार्टनरशिप में आपको सिलेबस में बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चलो तो हम आज से बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टनरशिप क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, पार्टनरशिप मीन्स व्हेन टू और मोर देन 2% कम टुगेदर, दे डू अ बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर एग्रीड रेशियो। दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक साथ आते हैं, बिजनेस करते हैं और जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसे एग्रीड रेशियो में शेयर करते हैं, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? पार्टनरशिप कह सकते हैं। अभी ये तो हमारा सिंपल डेफिनेशन हो गया, मीनिंग हो गया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 किस तरीके से पार्टनरशिप को डिफाइन करता है? तो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profit or loss of a business carried on by all or any of them acting for all. तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द persons. पार्टनरशिप जो persons एक साथ बिजनेस करने को रेडी है, जो प्रॉफिट और लॉस शेयर करने को रेडी है, उनका जो रिलेशनशिप होता है उसे पार्टनरशिप कहा गया है। अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब सारे के सारे पार्टनर्स एक्टिव हो सकते हैं, रेगुलरली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर उनमें से कोई स्पेसिफिक पार्टनर है, एक या दो पार्टनर है वो ही एक्टिव रहेंगे, बाकी के स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकते हैं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो भी हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली फर्म। तो जो पर्सन पार्टनरशिप में होता है उसे हम इंडिविजुअली पार्टनर्स कहेंगे और कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स को हम फर्म्स कहते हैं। द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम, ओके। और जो नेम से वो बिजनेस करेंगे वो क्या रहेगा? फर्म नेम। तो हमने क्या देखा अभी? पार्टनर्स, फर्म, फर्म नेम। इंडिविजुअल पर्सन को पार्टनर कहना है, कलेक्टिवली फर्म कहेंगे, और जो बिजनेस रहेगा वो हमारे लिए रहेगा फर्म नेम। नाउ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है? वैसे हमें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग अगर हम कर रहे तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होने चाहिए। तो हम अकाउंट्स में बस थोड़ा सा ही पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कस करेंगे, जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बस उतना ही, ओके। और इमीडिएटली हम अकाउंटिंग पे डिस्कस भी स्टार्ट कर देंगे। सो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो एग्रीमेंट, ओके। पार्टनरशिप जो है ये एग्रीमेंट से क्रिएट होता है। कोई भी पार्टीज जब पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहती तो उनमें एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट रिटर्न हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है, ओके। तो आप राइटिंग में जब भी एग्रीमेंट बनाते हो तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट राइटिंग में एग्रीमेंट होना चाहिए ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं करता है, ओके। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, पार्टनरशिप ये एग्रीमेंट से क्रिएट होता है और एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न है तो हम उसे पार्टनरशिप डीड कहेंगे। रिटर्न में होना कंपलसरी नहीं है, ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड होता है। सो पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस और बर्थ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, उससे ये रिलेशनशिप क्रिएट होता है, स्टेटस या बर्थ से नहीं होता है। अभी जैसा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, HUF,
HUF का अगर आपको मेंबर होना है तो वो बाय बर्थ मेंबर होता है, राइट। पार्टनरशिप में आपको कोई बाय बर्थ राइट नहीं मिलता है। अगर सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं तो आप वो पार्टनरशिप का मेंबर बन सकते हो, ओके। द एग्रीमेंट में भी ओरल और इन राइटिंग, इफ द एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप इज वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर। पार्टनरशिप वॉलंटरी होता है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि पार्टनरशिप आप मेरे पार्टनर ही हो और या फिर आपको होना ही पड़ेगा। आपकी अगर इच्छा है तो आप पार्टनर्स बन सकते हो, नहीं है तो नहीं बन सकते हो, ओके। और कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। अब एग्जाम्पल है, टू ब्रदर्स वेयर लिविंग टूगेदर विद देयर फादर। द फादर हु वॉज अ प्रोपराइटर ऑफ अ बिजनेस डाइज। अब जो फादर है उसकी डेथ हो गई है, प्रोपराइटर था। सन्स इनहेरिटेड द बिजनेस बट दे डू नॉट बिकम पार्टनर्स ऑटोमेटिकली आफ्टर डेथ ऑफ देयर फादर अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन देम एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस एज पार्टनर। अब दो ब्रदर्स है, उनके पिताजी जो सोल प्रोपराइटर थे उनकी डेथ हो गई, तो डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी किनको मिलेगी? उनके जो बच्चे हैं उनको ही मिलने वाले। अभी दोनों बेटों को जो बिजनेस है वो मिल गया, इनहेरिट हो गया। अब वो दो है इसका मतलब वो पार्टनर ऐसा नहीं होता है, ओके, क्योंकि उनमें कुछ एग्रीमेंट नहीं है, राइट। डेथ होने की वजह से ऑटोमेटिकली वो ओनरशिप दोनों के पास में आ गई है। अगर वो एग्री करते हैं कि हमें ये बिजनेस एज अ पार्टनर आगे कंटिन्यू करना है तो ही हम उसे पार्टनरशिप कहेंगे। तो एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। नाउ एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट टू पर्सन की ज़रूरत होती है तो ही पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है। बट ऑब्वियस हम खुद के साथ ही पार्टनरशिप नहीं कर सकते। आप सोच सकते हो कितना ऑड रहेगा ऐसा सोचना भी। सो स्टैट्यूटरी लिमिट, एज सच लिमिट इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप एक्ट। हैंस फॉर दिस पर्पज कंपनीज एक्ट 2013 इज फॉलोड। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप मोर देन वन पर्सन इज रिक्वायर। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर शल बी एज प्रोवाइडेड थ्रू रूल और नोटिफिकेशन बट इट शल नॉट एक्सीड 100। इन दिस रिगार्ड कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 आर इशूड एंड विच स्पेसिफाइज द लिमिट एज 50। हैंस प्रेजेंट एप्लीकेबल लिमिट इज 50। अब पार्टनरशिप एक्ट जो स्पेशल एक्ट है पार्टनरशिप से डील करता है उसमें कुछ भी प्रोविजन आपको स्टैट्यूटरी लिमिट के बारे में नहीं मिलेगा कि कितने पार्टनर्स मैक्सिमम होने चाहिए। तो ये लिमिट दी है कंपनीज एक्ट में। एक्चुअली कंपनीज एक्ट जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऊपर भी कुछ प्रोविजंस को स्पेसिफाई करता है, उसमें कुछ लिमिट दी है। वो लिमिट के ऊपर अगर आप एसोसिएशन को फॉर्म करते हो तो आपको कंपल्सरीली कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। तो वही प्रोविजंस के अंडर में कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 हो सकते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन दिया जाएगा वो नोटिफिकेशन फाइनल लिमिट स्पेसिफाई करेगा और उसे ही हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो 2014 में जो नोटिफिकेशन आया था उसने हमें बताया कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, ओके। मैं फिर से बता दूं, 100 की लिमिट कंपनीज एक्ट दे रहा है लेकिन स्पेसिफाई किया है कि जो नोटिफिकेशन इश्यू होगा उसके हिसाब से ही पार्टनर्स रहेंगे, और नोटिफिकेशन में कितना बताया गया है तो 50 पार्टनर्स। तो मैक्सिमम लिमिट 50 पार्टनर्स के। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द लिमिट ऑफ मैक्सिमम लिमिट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो उस केस में हमारा आंसर रहेगा 50। इफ द नंबर ऑफ पार्टनर एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम इट वुड बिकम एन इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर ये 50 से ज्यादा होता है तो उसे इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा, ओके। इलीगल एसोसिएशन इसका मतलब आपको कंपनीज एक्ट में फिर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो जाएगा। पार्टनरशिप में ज्यादातर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। उससे ज्यादा हो गए तो कंपनीज एक्ट कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन कहता है कंपनीज एक्ट में। नंबर 3, लॉफुल बिजनेस।
आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो पार्टनर्स मिलकर, वो लॉफुल होना चाहिए। ओके, अनलॉफुल यार इलीगल बिजनेस तो हम सबको पता ही है। ओके, चोरी करना, डकैती करना, स्मगलिंग करना, ये क्या होता है? अनलॉफुल इलीगल बिजनेस होता है। इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर कोई दो पर्सन है ए एंड बी और दोनों मिलकर चोरी करते हैं और बाद में वो चोरी का शेयरिंग कैसे करना, उसमें उनका दोनों का डिस्प्यूट हो गया, दोनों कोर्ट में चले गए और ए बोल रहा है कि मेरा 80% हिस्सा होना चाहिए, बी बोल रहा है कि मेरा इक्वल हिस्सा होना चाहिए, अब उसमें क्या होगा? कोर्ट तो दोनों को पकड़ लेंगी, राइट? पहले तो उनका खुद का वो है ही नहीं लॉफुली, तो उसके ऊपर वो डिस्प्यूट भी नहीं कर सकते कि कितना शेयर है, राइट? तो ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ लॉफुल बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है, अनलॉफुल बिजनेस या इलीगल बिजनेस को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ओके, अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस, मोर ओवर द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द पार्टनर्स मस्ट बी लॉफुल, इलीगल एक्ट सच एज थेफ्ट, डकैती, स्मगलिंग एटसेट्रा कैन नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट्स को शेयर करना जरूरी है, ओके, लेकिन लॉस को नहीं। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, द प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन एग्रीड रेशो। जो रेशो एग्री हुआ है, डिसाइड हुआ है, उस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। और यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड यूज़ किया है लॉस ने, इसका मतलब इट इज़ नॉट इसेंशियल दैट ऑल पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेस ऑल्सो। लॉसेस शेयर करना ज़रूरी नहीं है, प्रॉफिट शेयर करना ज़रूरी है। तो कुछ पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट के लिए भी हो सकते हैं, ओके? नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं। तो अगर ए एंड बी दो पार्टनर है समझो, तो ए बी का एजेंट हो गया, बी ए का एजेंट हो गया, उसे कहा जाएगा म्यूचुअल एजेंसी। यहाँ पर इसे प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप ऐसा भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो दो पार्टनर्स है ए एंड बी, तो अगर हम कहते हैं कि ए बी का एजेंट है और बी ए का एजेंट है, इसका मतलब जो एजेंट है, एजेंट के ऊपर जो है पर्सन जो उसे कंट्रोल कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। तो अगर ए एजेंट है तो बी प्रिंसिपल हो जाएगा और बी एजेंट है तो ए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये दोनों में रिलेशनशिप कैसा होता है? प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है। एट द सेम टाइम सेम पार्टनर एजेंट भी रहेगा और प्रिंसिपल भी रहेगा, ओके? पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स। इन अदर वर्ड्स, एवरी पार्टनर इज एन इम्प्लाइड एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स एंड ऑफ द फर्म। पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल्स, ठीक है, एजेंट भी रहेंगे और वो प्रिंसिपल्स भी रहेंगे। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। नाउ पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। सोल प्रोपराइटर की भी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। इसका मतलब अगर बिजनेस लॉस में जाता है और पार्टनरशिप के असेट्स कम पड़ते हैं लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए, तो पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स को सेल आउट करके भी वो लायबिलिटीज को पे करना पड़ सकता है, ओके? तो यहाँ पे लायबिलिटी कैसी बन जाती है पार्टनर्स की? अनलिमिटेड। जितना वो कैपिटल बिजनेस में देते हैं बस उतनी लायबिलिटी नहीं होती है, उनको एडिशनल पेमेंट भी करना पड़ सकता है अगर ज़रूरी है तो। एवरी पार्टनर इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट फॉर द डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इन केस द असेट्स ऑफ द फर्म आर इनसफिशिएंट टू पे द डेट्स इन फुल, the personal property of each partner can be attached to pay the creditors of the firm. तो यहाँ पे ये कुछ important characteristics हमने discuss किए। अभी जो notes है तो ये मैंने कुछ specifically आपके लिए ही design किए, तो ये सारे notes आपने क्या करना है? Note down कर लेना है। Exam में इसके ऊपर कुछ questions पूछे जाते हैं, okay? तो जो भी इम्पॉर्टेंट नोट्स है वो सारे मैंने नोट्स में इंक्लूड किए हैं। मैं टाइम टू टाइम आपको ये सारे नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, ओके? और इसके साथ साथ हमें कुछ बुक्स को अगर रेफ़र करना है तो वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम स्पेसिफाई कर दूंगा,
ठीक है। तो ये नोट्स आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेना है आपकी फेयर बुक में। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड। ना अभी हमने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट से पार्टनरशिप क्रिएट होती है, एंड एग्रीमेंट कैन बी रिटन एज वेल एज ओरल। रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज रिटन, राइटिंग में है, तो उस केस में हम उसे कहेंगे पार्टनरशिप डीड। ओके, फिर से बोलता हूँ, इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज इन राइटिंग देन इट विल बी टर्म्ड एज पार्टनरशिप डीड। उसे हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे। अब ये जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होता है? नॉर्मली पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर करना जरूरी है ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो सके। तो पार्टनरशिप डीड जो है एक तरीके से आपके लिए लॉ होता है। ओके, ये लॉ जो पार्टनर्स खुद ही डिसाइड करते हैं कौन से रूल्स वो फॉलो करेंगे, और अगर फ्यूचर में कुछ डिस्प्यूट होता है तो वो एज अ गाइडलाइन पार्टनरशिप डीड को फॉलो कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में बड़ा ऑब्वियस नेम ऑफ द बिजनेस रहेगा, एड्रेस रहेगा, नेचर ऑफ द बिजनेस रहेगा, पार्टनर्स का क्या कैपिटल है, कौन से पार्टनर्स है, उनका एड्रेस क्या है, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स को पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई किया जाता है। ओके, सो द पार्टनरशिप डीड जनरली डिटेल्स आउट द फॉलोइंग क्लॉजेस। क्या क्या क्लॉज हो सकते हैं? तो नेम ऑफ द फर्म एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। सेकेंड, कमेंसमेंट एंड टेन्योर ऑफ द बिजनेस। कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट करना, एंड टेन्योर मीन्स ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस। आपका पार्टनरशिप एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है। थर्ड, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। फोर्थ, द रेशियो फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस अमंग द पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? फिफ्थ, अरेंजमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स बाय पार्टनर्स, मेकिंग लिमिट देयर ऑन एंड इंटरेस्ट इफ एनी टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। चलिए ये पॉइंट्स हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, सैलरी टू बी गिवन टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? सेवंथ, इंटरेस्ट इफ एनी टू बी अलाउड ऑन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द पार्टनर्स। कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट पे करना है तो कितना पे करना चाहिए? याद रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करता है तो ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे। एट, रेंट टू बी पेड टू द पार्टनर्स हुज प्रीमाइसेस आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। अगर हम किसी पार्टनर का प्रीमाइसेस मीन्स बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी जो भी है वो यूज कर रहे तो उसको रेंट कितना देना पड़ेगा? नाइन्थ, प्रोसेस ऑफ अप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स हो गया, तो जो डिस्प्यूट होता है उस केस में हम किस तरीके से अप्रोप्रिएट करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे असेट्स का या फिर प्रॉफिट्स का। टेंथ, प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट देयर ऑफ। 11th, valuation of goodwill in case of admission of new partner, retirement of existing partner and death of partner. Goodwill हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, करंटली बस इतना याद रखो कि एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है ये भी पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई किया जा सकता है। प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स क्लेम इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। एंड थर्ड, प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई किए जाते हैं। ओके, चलो अभी यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्टनरशिप में। हर जगह पे ये रूल्स जो अभी हम पढ़ने वाले हैं हमेशा आपको काम में आने वाले हैं। तो ये आपको लर्न भी कर लेना है, समझ लो अच्छे से, ये लर्न भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नॉर्मली पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइड प्रिपेयर्ड टू अवॉइड एनी पॉसिबल डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर एंड टू क्लियर एनी कन्फ्यूजन। नॉर्मली पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर किया जाता है ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो और कुछ कन्फ्यूजन भी ना हो।
But if partnership deed is not formed or if the partnership deed is silent, the following assumption should be followed. लेकिन अगर agreement नहीं हुआ है, deed ही नहीं हुई है, या फिर partnership deed में silent है, silent मतलब कुछ discuss ही नहीं हुआ है वो point के ऊपर, तो हमें कौन से assumption follow करना पड़ेगा, okay? बहुत ही important assumption है, इसमें से first assumption है, every partner should share profit equally. प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर किया जाएगा. इसका मतलब अगर दो पार्टनर से ए एंड बी 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है तो ए को 50 रुपीज़ मिलेगा, बी को 50 रुपीज़ मिलेगा. इक्वल रेशो, जो भी प्रॉफिट रहेगा उसको इक्वली डिवाइड करना है. लेकिन कब? अगर प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कुछ भी एग्री नहीं हुआ है. अगर दोनों में एग्रीमेंट हुआ है कि 80% ए लेगा 20% बी लेगा, अगर ऑलरेडी हो चुका है तो फिर वो एग्रीमेंट के हिसाब से ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा. लेकिन अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में एग्रीमेंट नहीं, इसका मतलब क्या कि प्रॉफिट कैसे शेयर करना है, इसके ऊपर कुछ डिस्कशन नहीं हो, तो उस केस में 50-50 शेयर किया जाएगा. हम कह सकते हैं कि इक्वल शेयर करना ज़रूरी है. सेकेंड, नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. अब जैसा कि हम बिजनेस के लिए अगर लोन लेते हैं, अगर मैंने बैंक से लोन ले लिया तो बैंक क्या करेगी, मुझसे इंटरेस्ट मांगेंगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी. अब उसी तरीके से पार्टनर्स बिजनेस को जो फंड्स देते हैं हम उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं. अब पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मांग सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पार्टनरशिप डीड में वैसा मेंशन होना ज़रूरी है. तो अगर पार्टनरशिप डीड कहता है कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, अदरवाइज वो डिमांड नहीं कर सकते. डिमांड करेंगे तो भी उन्हें नहीं मिल रहे. सो नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल. थर्ड, नो इंटरेस्ट शुड बी चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स. ड्रॉइंग्स अगर पार्टनर्स करते, ड्रॉइंग्स करना मतलब फंड्स विड्रॉ कर लेना. पार्टनर्स ने अगर पार्टनरशिप फंड से कुछ फंड्स को विड्रॉ किया हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करने के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं. ड्रॉइंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. एग्रीमेंट नहीं है मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दी है तो उस केस में कैपिटल के ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं होगा, ड्रॉइंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा. ओके, फोर्थ, नो सैलरी कमीशन एट्सेट्रा इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर. किसी भी पार्टनर को सैलरी या फिर कमीशन नहीं मिलेगा. अभी समझो जो पार्टनर से ए और बी का एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं, ए एंड बी पार्टनर्स है. अब इसमें से जो ए है वो फुल टाइम डिवोट कर रहा है, ओके, डेली वो 10-12 आवर्स पार्टनरशिप फर्म के लिए डिवोट कर रहा है, और जो बी है वो कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा है. एट द एंड ऑफ द ईयर ए ने सैलरी डिमांड की. अब बी ये कह सकता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी के ऊपर कुछ प्रोविजन नहीं है, कुछ एग्री नहीं हुआ है, तो ए सैलरी को डिमांड नहीं कर पाएगा. ओके, तो यहाँ पे ए को अगर सैलरी चाहिए, वो अगर एक्स्ट्रा जो काम कर रहा है उसके लिए उसको कुछ कंसीडरेशन चाहिए, तो पार्टनरशिप डीड में वो प्रोविजन होना जरूरी है. तो विदाउट पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रोविजन ए सैलरी को डिमांड नहीं कर पाएगा, कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी. ओके, फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस और लोन मेड बाय पार्टनर शुड बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम. पार्टनर्स कैपिटल तो देते ही है, कैपिटल के साथ साथ कभी कभी वो लोन भी देते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट पेड कर देते हैं कैपिटल के अलावा. वो जो लोन है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 6% रहेगा. पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन किया है तो जो प्रोवाइड किया है उसी रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा, और पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है तो 6% से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, मतलब 6% इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन पे मिलेगा. एंड सिक्स्थ, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री. सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं तो ही पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स एडमिशन ऑफ पार्टनर हो सकता है. तो अगर ए और बी पार्टनर है और न्यू पार्टनर सी आना चाहता है, ए और बी दोनों एग्री है तो ही सी को एडमिट किया जाएगा. अगर ए बी सी तीन पार्टनर है,
तीनों एग्री होते हैं तो हम डी को एडमिट कर सकते हैं। तो ऑल पार्टनर्स एग्री होना ज़रूरी है। तो अभी जो हमने ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं अकाउंटिंग के लिए, ये क्या थे? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर पार्टनरशिप डीड बनी है लेकिन सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं हुआ है, कोई प्रोविजन प्रोवाइड नहीं की है, उस केस में क्या क्या एजम्पशन रहेगा? तो फर्स्ट एजम्पशन है हमारा कि प्रॉफिट का शेयर कैसे रहेगा, इक्वल ही रहेगा। सेकेंड रहेगा कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। थर्ड, ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। फोर्थ, सैलरी एंड कमीशन पार्टनर्स डिमांड नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस और लोन 6% से चार्ज किया जाएगा। एंड फाइनली, न्यू पार्टनर को अगर एडमिट करना है तो ऑल पार्टनर्स रेडी होने चाहिए। ओके, चलो अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। नाउ प्रॉब्लम नंबर वन, मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर्स। तो मोहन एंड श्याम पार्टनर्स है और हमें बताना है कि जो क्लेम से क्या वो वैलिड है। ओके, वैलिड है मतलब क्या वो सही है। ठीक है, अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, साइलेंट है मतलब कोई प्रोविजन एग्रीमेंट में नहीं दी है। तो फर्स्ट, मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर इसका मतलब वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है पार्टनरशिप के। ही वांट्स अ सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर और वो सैलरी डिमांड कर रहा है क्योंकि वो एक्टिव है, काम कर रहा है बिजनेस में। क्या लगता है आपको, क्या उसको सैलरी मिलनी चाहिए? अभी हमने पढ़ा है नो, यहाँ पे उसको सैलरी नहीं मिलेगी। तो इस केस में मोहन का जो क्लेम है वो क्या रहेगा? इनवैलिड रहेगा। ओके, हमें बताना है कि वैलिड है या नहीं है, तो वैलिड या फिर इनवैलिड। इन दिस केस मोहन्स क्लेम इज इनवैलिड इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनर्स विल नॉट रिसीव एनी सैलरी। सेकेंड, श्याम हैड एडवांस्ड अ लोन टू द फर्म। ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। श्याम ने लोन इंटरेस्ट एडवांस दिया है, लोन दिया है और वो इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है 10%। क्या उसे 10% मिलेगा? उसका क्लेम सही है? नहीं, इनवैलिड है। हमने देखा है कि लोन पे ऊपर इंटरेस्ट तो मिलेगा लेकिन 6% मिलेगा। ओके, वो 10% क्लेम कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, हाइस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। ओके, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा। नंबर थ्री, मोहन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 20,000 एंड श्याम 50,000 एज कैपिटल। मोहन 20 एंड श्याम 50,000 दे रहा है तो श्याम ने ज़्यादा कैपिटल दिया है। मोहन वॉन्ट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। मोहन को इक्वल शेयर चाहिए। क्या उसका क्लेम वैलिड है? यस, वैलिड है। नाउ अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो पार्टनर्स इक्वल रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। क्यों, किसने कितना कैपिटल लाया है, कौन एक्टिव है, कौन नहीं है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। पार्टनर्स है, एग्रीमेंट में कुछ स्पेसिफाई नहीं हुआ है तो इक्वल रेशियो में प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। एंड फोर्थ, श्याम वॉन्ट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है, लोन नहीं। श्याम को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए। क्या उसे इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे श्याम का क्लेम भी क्या है? इनवैलिड है। तो यहाँ पे तीन क्लेम्स इनवैलिड थे, सिर्फ एक ही क्लेम इक्वल रेशो का वैलिड है। ओके, चलो P2 हम देखते हैं। इसके ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बेसिक देख रहे तो इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऊपर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टडी करेंगे और मैं आपको डिटेल में ये भी बता दूंगा कि आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट,
वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। रिटन एग्रीमेंट नहीं है फिर भी वैलिड पार्टनरशिप बन सकती है, क्या लगता है आपको? वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट रिटन एग्रीमेंट? यस, इट इज ट्रू। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी इन और मे नॉट बी इन राइटिंग। राइटिंग में होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, इट कैन बी ओरल, ओरल भी हो सकता है तो वैलिड रहेगा। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। क्या लगता है, जो भी पार्टनर्स है वो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट होते हैं बाकी पार्टनर्स के लिए? यस इट इज ट्रू। हमने म्यूचुअल एजेंसी में ये पॉइंट देखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है म्यूचुअल एजेंसी। ओके देखो मैं दिखा देता हूँ अभी, यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी, सारे पार्टनर्स क्या होते हैं एक दूसरे के प्रिंसिपल एंड एजेंट होते हैं। इट्स ट्रू। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। यस इट इज ट्रू। फोर्थ, मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स कांट बी पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट झगड़े हो रहे पार्टनर्स में तो उसे कैसे सेटल करना है वो पार्टनरशिप डीड में नहीं बताया जाएगा। अब यह हमें ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है, क्या लगता है आपको? इसे फॉल्स। ओके, पार्टनरशिप डीड तो इसीलिए तो हम बनाते हैं ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो सके, और अगर डिस्प्यूट में ही उसे यूज नहीं करेंगे, किस तरीके से डिस्प्यूट को सॉल्व करना है वो भी हम नहीं बताएंगे तो पार्टनरशिप डीड का यूज ही क्या रहेगा। तो पार्टनरशिप डीड में यस, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट भी बताया जाएगा। फिफ्थ, इफ द डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वुड बी चार्ज्ड ऑन द ड्रॉइंग्स मेड बाय पार्टनर्स। अगर डीड साइलेंट है तो ड्रॉइंग्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% चार्ज होगा। क्या लगता है आपको? फॉल्स, नहीं होगा ऐसे। डीड अगर साइलेंट है तो ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं होगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो तीन बातें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। एक तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड थर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन 6% से मिलेगा, ओके। एंड फाइनली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन एट 12% पर एनम इफ द डीड इज साइलेंट अबाउट द रेट। फॉल्स, डीड साइलेंट है तो 6%। चलो फाइनली लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स हम देख लेते हैं, ओके। सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, फर्स्ट इफ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म इन कंपिटिशन विद द फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म। अगर कोई पार्टनर कंपिटिटिव बिजनेस करता है तो उस केस में उसको जो बिजनेस से प्रॉफिट होगा वो पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा। अब ये सब्जेक्ट टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट का है, इसका मतलब अगर पार्टनर्स एग्रीमेंट के थ्रू रेडी होते हैं, कंपिटिटिव बिजनेस अलाउ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मान लो कि डॉक्टर्स हैं, ओके, ए एंड बी नाम के दो डॉक्टर्स हैं, या फिर ए और बी बहुत हो गया। अभी हम सोचते कि चलो राम एंड श्याम दो डॉक्टर्स हैं। अब अगर राम ने या फिर श्याम ने एग्रीमेंट नहीं किया है, दोनों डॉक्टर से दोनों ने मिलकर हॉस्पिटल शुरू कर दिया, पेशेंट आ रहा है। अब राम के पास पेशेंट आ गया और वो पेशेंट आने के बाद राम ऐसा बोल सकता है कि अरे मेरा क्लिनिक है चल तू मेरे क्लिनिक पे आ जा? क्यों बोलेगा ऐसा वो? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जब पेशेंट आ गया तो जो फीस मिलेगी उसको श्याम के साथ शेयर करनी पड़ेगी। तो क्या हो सकता है, राम बोल सकते हैं कि तू मेरे क्लिनिक में आ जा, मैं तेरे को फीस भी कम लगा दूंगा।
तो पार्टनर ऐसा कर सकते हैं, ये पॉसिबल है क्योंकि कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। तो इस वजह से पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है तो उस केस में कॉम्पिटिटिव बिजनेस भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑलरेडी कहा है कि सब्जेक्ट टू मतलब एग्रीमेंट में क्या मेंशन किया है वो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना है। तो अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है तो ही पार्टनर्स कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, एंड सेकेंड, इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। अब अगर कोई भी पार्टनर को फर्म के ट्रांजेक्शन से कुछ प्रॉफिट होता है या फिर फर्म की प्रॉपर्टी का यूज़ करके कुछ प्रॉफिट होता है, ट्रांजेक्शन से कनेक्शन से कुछ प्रॉफिट होता है, तो वो जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, फर्म को पेड करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव बिजनेस से भी अगर उसने प्रॉफिट अर्न किया बिना फर्म को बताए या फिर फर्म की परमिशन लिए बगैर, तो वो भी देना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली ऐसा कैसे हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, अब कंसिडर करते हैं। चलो अगर तीन पार्टनर्स है, मान लो अमर, अकबर एंड एंथोनी, ये तीन पार्टनर्स है, ऐसा कंसिडर करो। ओके, और ये तीनों की जो पार्टनरशिप फर्म है इसका नाम है ट्रिपल ए फर्म। ओके, अब ये ट्रिपल ए फर्म जो है इन्हें लैंड परचेस करनी है, तो एक पर्टिकुलर लैंड को परचेस करना है और ये लैंड को जो सेल करने वाला है उसका नाम है समझो प्रेम चोपड़ा। ओके, प्रेम चोपड़ा से क्या करना है, लैंड को परचेस करना है। अब अमर क्या करता है, चुपके से प्रेम चोपड़ा को मिलने जाता है और कहता है कि ये जो लैंड है, ये लैंड की जो डील है, मैं आपको ज़्यादा पैसे फर्म से लेकर दे सकता हूँ। ओके, लेकिन करना क्या होगा, तो ये जो फर्म से एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे वो फर्म का एक्स्ट्रा पैसा मुझे उसमें से शेयर चाहिए या फिर इसके ऊपर मुझे कमीशन चाहिए। ये हो सकता है, कुछ कुछ पार्टनर ऐसा भी करते हैं, राइट। तो फिर इससे इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन से कोई पार्टनर जैसा कि यहाँ पे अमर प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रहा है, वैसे तो ये गलत काम कर रहा है। इस वजह से ऐसे कामों को रोकने के लिए क्या है, पार्टनरशिप एक्ट में ये प्रोविजन दी है। तो अगर कोई कनेक्शंस को, बिजनेस कनेक्शन को यूज़ करता है या फिर पार्टनरशिप के ट्रांजेक्शंस जो है उसे यूज़ करके प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो फिर वो प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स का पार्ट कंप्लीट होता है। तो आज हमने जितना भी पढ़ा है वो आपने क्या करना है, नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दिए। वैसे ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ऊपर के भी जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर और भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।